ये है हमारी तालीम का जनाजा, ये है सिंध में हमारे बच्चों की मुस्तकबिल का जनाजा। आज गुज़िश्ता रोज़ मैंने असम्बली के अंदर इजलास के अंदर भी बात की थी, पता चला कि जी मैं मीडिया चैनल्स का शुक्रगुजार हूँ और अपने वैसे भी मैंने हमें मालूम हुआ कि सिंध में 10,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं और अरबों रुपए की डेस्कें खरीदी जा रही हैं। स्कूल बंद हो रहे हैं, डेस्कें खरीदी जा रही हैं और गुज़िश्ता रोज़ एक उस वज़ीर ने, जिसको मैं तालीम याफ्ता वज़ीर समझता था लेकिन वो भी ज़ेरे तालीम निकले, उन्होंने असम्बली में बताया कि हाँ जी हम स्कूल बंद करने जा रहे हैं। और आज ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पता चला है कि कोई 15-16 लाख डेस्कें सिंध हुकूमत के एक मिस्टर क्लीन शेव, आप समझो शायद मैं क्लीन कह रहा हूँ, मिस्टर क्लीन शेव जो कि करप्ट तरीन वज़ीर है सईद गनी साहब ने, जो कि इनके रोल मॉडल हैं, सईद गनी साहब ने ये डेस्क जिस पर मैं बैठा हूं इस वक्त, ये 5,500 रुपए की 18 गेज की डेस्क है, लोहा भी लगा हुआ है, पाइप भी लगा हुआ है, 4 फुट वाली है, ये दराजे भी हैं, 5,500 रुपए की मैं लालू खेत मार्केट से लाया हूं और ये 3 फुट वाली जो है ये 3,500 रुपए की है। आप जाइए अभी जाके चेक कर लें। और सिंध हुकूमत ने 2019 में इसका ठेका किया था 6,500 रुपये का और 2021 में 23,000 की, ये 29,000 की, ये 3 फुट वाली 23,000 की और 4 फुट वाली 29,000 की 15 लाख डेस्कें खरीदी जा रही है, 350 गिना ज़्यादा रेट के ऊपर। मैं कहता हूँ बरादरी शाह साहब, कोई शर्म है, कोई हया है, कोई गैरत है आपके अंदर? और वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी ख़त लिख दिया मुराद अली शाह को। तो इस पे मैं कहता हूँ शेख जी सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, जिस मुराद अली शाह इसका नानी है करप्शन की, जिसके सीएम हाउस पलता है जिसके ऊपर। और इसमें तो बिलावल जरदारी के 2 दस्तराज भी हैं, एक वज़ीर साहब होते हैं अंदर, उनका भाई भी इसका फर्नीचर के ठेके में शामिल है, और एक शाह साहब बड़ी मूछों वाले वास्ते कौमी असम्बली में कोट उतार रहे होते हैं, उनका बेटा भी इसमें शामिल है। 350 गुना ज्यादा 3 अरब का टीका लगाया जा रहा है, 3 अरब रुपए का, और कर कौन रहा है? सईद गनी, जो कि अगर नैब उसको नोटिस भेजे कहते मैं नैब के दफ्तर के सामने मुजाहरा करूंगा, उसके खिलाफ कैप्टन वो डॉक्टर रिजवान अगर रिपोर्ट बनाए कि तुम मंशियात फरोश हो तो कहते मैं डॉक्टर मुस्तफान को नहीं छोड़ूंगा। मैं कहता हूँ मुराद बिलावल जरदारी साहब, ये तुम्हारी टीम, बिलावल जरदारी हिस्सेदार है और ये हमारे तालीम के कातिल हैं। सरदार शाह जवाब दो, मुराद शाह जवाब दो, सईद गनी जवाब दो, बिलावल जवाब दो, 10,000 स्कूल ये बनाए किसने? और अगर बंद करोगे तो ये उताक बनेगी, बाड़ा बनेगा, गधों का अस्तबल बनेगा, कुत्ते पाले जाएंगे, क्या होगा बताओ? और उसके अंदर जो पैसे थे जो लगे करप्शन किसने की? आपको एक टोपी ड्रामे के पीछे नहीं छुपने देंगे, आप एक करप्ट ना अहल ना मुराद वजीर आला हो और हम इंशाल्लाह आपको और आपकी टीम को सिंध के हकूमत से निकाल के दम। लगता है कि सिंध में हर गलत काम बकौल इनके मुशर्रफ दौर में हुआ, उसके बाद तो सिंध में पता नहीं क्या कुछ हो गया, सब इनके दौर के झूठ बोलते हैं झूठ। एक अरबाब रहीम ने भाई बहुत अच्छे काम कर दिए, उसके बाद कुछ बताओ कुछ हुआ है? अरबाब रहीम के दौर में जो कुछ हुआ, जो सड़कें बनी, स्कूल बने, तालीम दी, उसके बाद तो लूट मार है।